नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ताइवान और चीन के बीच रस्सा कशी जारी है। चीन ताइवान को घेरता है और ताइवान चीन को खदेड़ता है। इस बीच ताइवान को लेकर अमेरिका किसी भी मौके को तोड़ते हुए चीन के खिलाफ आ गया है और ताइवान को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये बात चीन को बर्दाश्त नहीं है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका अंग है, जबकि ताइवान चीन से अपने आप को अलग मानता है और अमेरिका ताइवान को आज़ाद देखना चाहता है। इस बीच अमेरिका के दक्षिणी चीन सागर में आने से चीन काफ़ी परेशान है। चीन को चिढ़ाने के लिए शुक्रवार को अमेरिकी दूत ताइवान पहुंचे और द्वीप के नेताओं से मुलाकात की और इसी बात से बौखलाए चीन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में लड़ाकू जेट उड़ाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी कीथ क्रेच ने ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्री और उप प्रमुख के साथ बातचीत की और उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात की और राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ भोज में शिरकत की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 18 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है और चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन ग्योंगकियांग ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए ताइवान स्ट्रीट की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर की गई एक वैध और आवश्यक कार्रवाई करार दिया। अब यहाँ पर जानकारी आपको ये देते चले कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और ताइवान की किसी अन्य देश के बीच बातचीत का सख्ती से विरोध करता है। कीथ दशकों बाद इस ताइवान का दौरा करने वाले विदेश मंत्रालय के पहले उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। और यहाँ पर एक और जानकारी आपको देते चले कि इससे पहले अगस्त में अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजर ताइवान के दौरे पर आए और 1979 के बाद अमेरिका और ताइवान के बीच पहला दौरा और चीन इसीलिए बौखलाहट में है। अब ये देखना होगा कि आगे ये लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होती है।